बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टीम रोस्ट बनाएंगे। इस तरह से मैंने गोश्त के बड़े बड़े पीस ले लिए, इसमें 4 से 5 कट लगा लिए। इस तरह से ऐसे कट लगा लेने हैं। ये 4 पीस हैं मेरे पास इस तरह से बड़े वाले। अब इसके अंदर पानी ऐड किया, पानी इतना ऐड करना है कि ये डिप हो जाए। 1 चम्मच टाटरी का ऐड कर दिया, 3 से 4 चम्मच सिरका ऐड कर दिया इस तरह से। अब 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे डिप करके रख देंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इस तरह से। इसको ज़रा मिक्स करके हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह से साफ हो जाएगा ऐसे। इस तरह से हमने साबुत मसाला ले लिया, जिसमें काली मिर्च 1 चम्मच, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी, 2 चम्मच इस तरह से सूखा हुआ धनिया, ज्वेंत्री फूल इस तरह से, दालचीनी, लौंग और 2 चम्मच इस तरह से जीरे के। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लेना है। ऐसे हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। हमने ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना, हल्का सा हमने इसको करना है ऐसे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हल्का बस ग्राइंड करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा हमें चाहिए। अब हम रोस्ट के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 4 चम्मच इस तरह से दही के ले लिए, 1 कप इस तरह से मैदा ले लिया, 1 चम्मच नमक का, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, हल्दी का 1 चम्मच, अचार का मसाला 1 चम्मच, रेड मिर्च का 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और येलो हमने कलर ऐड करना है इस तरह से, जिससे बहुत बहुत प्यारा कलर आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे ऐसे। हमने ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। ऐसे हमने तैयार कर लेना है मसाला। थोड़ा सा इसके अंदर सिरका ऐड कर लेंगे इस तरह से ऐसे। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल होटल जैसा तैयार होता है। इस तरह से इसको अब हमने मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट हमने मसाले को रेस्ट दिया इस तरह। अब इसके अंदर 2 से 3 आपने लेमन का रस ऐड कर लेना है इस तरह से ऐसे इस तरह से। अब 1 चम्मच टाटरी का जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जो मसाला पिसा हुआ था वो इस तरह से वो ऐड कर दिया ऐसे। और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ऐसे। मैंने 2 से 3 मरतबा इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब इस तरह से छाननी में रख देंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इस तरह से, क्योंकि हमें खुश्क चाहिए ऐसे।
जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा और हम और काम कर लेंगे। अब ड्राई हो गए इस तरह से, अब हम अच्छी तरह से मसाला इनके ऊपर लगा लेंगे। जो कट हैं आपने उनके अंदर भी इस तरह से दबा दबा के लगा लेने हैं ऐसे। अब इसको हम ऐसे प्लेट में रख लेंगे। फिर दूसरे को इसी तरह से हमने लगाना है ऐसे। आप तो ऐसे फिजूल में बाहर से मसाले इतना कुछ मंगवाते हैं, ये तो घर में इतना जबरदस्त मसाला तैयार होता है। जिस तरह से आपको मैंने फ्राई करके बताया था कि आप थोड़ा सा इसको फ्राई करें और फिर हम इसको ग्राइंड कर लें, ये इस तरह से जो ऐसे हमने इनके अंदर भी मसाला ऐड कर देना है इस तरह से। कोई भी जगह हमने इसकी खाली नहीं छोड़नी ऐसे। फिर चौथा उठाएंगे, वो भी हमने इसी तरह से मसाला लगा देना है। क्या जबरदस्त है खुशबू मसाला, तो ऐसे खाने को दिल कर रहा है, इतना मजे का बने। टाटरी डालें तो बहुत जबरदस्त जायका आता है इसका ऐसे। हमने बिल्कुल अंदर तक मसाला इसका लगा लिया ऐसे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे इस तरह से ऐसे। 20 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। अब चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली, इसके अंदर इस तरह से ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि डिप हो जाए इस तरह से। अब गरम होने का वेट करेंगे। अब ऐसे इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा साइड से होकर डालना ताकि ऑयल आपके ऊपर ना गिर जाए ऐसे। आप 2 मिनट के बाद फिर पलट लेंगे। ये दो मेरे पास लेग थे, इस तरह से ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ऐसे। इस तरह से दूसरे चूल्हे के ऊपर हमने तिली रख ली, इसके अंदर इस तरह से पानी ऐड कर दिया। पानी उबलने का वेट करेंगे। 2 मिनट के बाद इस तरह से पलट लेंगे ऐसे। ऐसे हमने 2 मिनट के बाद इनको पलट लिया इस तरह से ऐसे। ऐसे जो रोस्ट का मसाला हमारे पास बचा है हमने ज़ाया नहीं करना। रोस्ट के साथ हमने इस तरह से रेड मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें, ये हमने ये मसाला इनके अंदर ऐड करेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। इन दोनों मिर्चों का अलग-अलग अलग-अलग टेस्ट है, एक रेड है और एक ग्रीन है, और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप एक मरतबा बनाएंगे बार बार बनाने को दिल करेगा, और आप कहेंगे कि हम यही हर रोज़ रोटी के साथ बना के खाएं। ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार होंगी। चलें देखते हैं किस तरह से हमने इसके अंदर मसाला ऐड करना है। ऐसे हमने मिर्च के अंदर इस तरह से कट लगाना है ऐसे। फिर दूसरी मिर्च उठाएंगे इस तरह से, उसके अंदर भी हमने कट लगा लेना है ऐसे। अब सब्ज मिर्च के अंदर इस तरह से कट लगाया। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा कड़वी हैं तो आप इस तरह से बीज निकाल दें, लेकिन इतनी कड़वी नहीं है ऐसे। सारी मिर्चों के अंदर इस तरह से कट लगा लिए। अब इनके अंदर मसाला किस तरह से ऐड करना है ऐसे। मिर्च को उठाया, इस तरह से इसके अंदर मसाला ऐड किया
ऐसे फिर इसके अंदर ही रख देंगे इस तरह से, ताकि ऊपर भी मसाला लग जाए। ऐसे ये सारी मिर्चों के अंदर हमने इसी तरह से मसाला ऐड कर लेने, क्योंकि आज मैंने सालन नहीं तैयार किया, मैंने कहा आज इसी तरह हम खाएंगे, इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। मैंने देसी घी के साथ रोटी के ऊपर लगा लिया देसी घी, और ऐसे हमने साथ मिर्चें फ्राई कर लेनी है। ये रोस्ट के साथ हमारी मिर्चें तैयार हो रही हैं ऐसे। अब अच्छी तरह से, अब पानी गर्म हो गया, आपने इतना पानी गर्म करना है फुल, तो ये स्टैंड के नीचे नीचे पानी हो, ऊपर पानी ना हो। इस तरह से अब हम इस तरह से पीस उठाएंगे, ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। ये हमने इस तरह से ऐसे अब बिल्कुल इस तरह से कवर कर देंगे ऐसे ऐसे हमने कवर कर देना। जो लेग थे वो मैंने रोस्ट में ही किए, इस तरह से वो निकाल लिए। अब मिर्चें ऐड कर ली, क्योंकि बेटी हमारी कह रही थी कि मम्मा मुझे जल्दी जल्दी इस तरह ही निकाल दें, जो लेग है वो मैंने इस तरह निकाल दिए उसको, और स्टीम मैंने दूसरे कर दिए। अब मिर्चें फ्राई करेंगे, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मिर्चों की। इस तरह से फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। ऐसे हमने हल्का हल्का सा ऊपर से दबा देना है इस तरह से ऐसे। बहुत प्यारा कलर चेंज हो गया इस तरह से। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से ऐसे। मिर्चें भी तैयार हो गई इस तरह से, जो लेग मैंने डाले थे वो भी साथ। इस तरह से रोटी तैयार कर ली, रोटी के ऊपर मैंने देसी घी लगाया हुआ है। ये मिर्चें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे, इनके अंदर इस तरह से मसाला है ऐसे। अब चेक करके बताइएगा कि किस तरह से तैयार हुई हैं ऐसे। हमने दोनों काम साथ साथ कर लिए। दूसरे चूल्हे के ऊपर इस तरह से कोयले को रखा हुआ था, अब फ्लेम को बंद कर देंगे। कवर को उठाया इस तरह से, अब कोयला इसके अंदर इस तरह से रख देंगे ऐसे। बहुत जबरदस्त सी इसकी खुशबू आएगी। इस तरह से फिर से हमने कवर कर, अब एक घंटे के बाद इस तरह से कवर को उठा दिया, फ्लेम को हमने बंद कर दिया इस तरह से। बहुत ही गर्म है ऐसे, हमने उठाया इस तरह से। क्या जबरदस्त से लेग तैयार हुए ऐसे, साथ मिर्चें भी फ्राई की हुई है हमने उसी मसाले के साथ, हमने मिर्चें फ्राई कर ली थी इस तरह से। वैसे रायते की और लैम्प और किसी चीज की हमें जरूरत तो नहीं है, ये वैसे ही बहुत स्पाइसी से बने हैं, मजेदार बने हैं तरह से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं, वो उसकी भी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कल तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज, ओके बाय।